जिस तरह से राधा कृष्णा डोडेमणि जी को जो यहाँ पर जीत हासिल हुई है, गुलबर्गा की जनता को क्या कहेंगे? मैं गुलबर्गा की जनता को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब मिलके आज के दिन जो हमारे वोटर्स हैं, पिछली बार 2019 में बीजेपी को जीत हुई थी और हमारे जो देश के नेता हैं, हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, क्योंकि सब लोगों को मालूम पड़ा कि उनको जिताना है, उनके फैमिली मेंबर को जिताना है, और राधा कृष्णा जी भी पिछले 40 साल से यहाँ के लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सब लोगों ने आशीर्वाद किया है और उनको, मैं उनको सब लोगों को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से राधा कृष्णा जी की पहचान है कि वो हमेशा से बैकग्राउंड में रहकर काम करते आए हैं लोगों के लिए, आज वो एमपी बनकर किस तरह से काम करेंगे? क्या वो जरूर काम करेंगे? हमारा हमने एक मैनिफेस्टो भी बोला था, हम लोगों को बोला था कि हम आने के बाद, जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे। पहले भी हम काम कर रहे हैं तो अभी भी हम काम करेंगे, जो जो हमने बोला है वो जरूर कंप्लीट करेंगे। उनको एक्सपीरियंस है, पहले से उन्होंने पीछे से काम करते आ रहे हैं, अब उनको एक जिम्मेदारी मिली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलबर्गा में, गुलबर्गा एक इम्पोर्टेंट है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है, तो जरूर हम जो जो बोले सब काम करेंगे।